हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले आपको एक दो पॉइंट्स होते हैं जो पता होने चाहिए। देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि सम और विषम क्या होता है। देखिए, किसी संख्या को अपन 2n के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ये आपको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, अब 2n क्या है भाई, कि देखो 2 तो अपना फिक्स है और n का मान है ना आप 1 से लेके अनंत तक कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो आपने 1 रखा तो कितना आ गया, 2, 2 एकम 2 आ गया, यानी जो 2 है वो क्या है, एक सम संख्या है। समझ गए? ऐसे ही आपने मान लो कि n की जगह रखा 2 तो कितना आ गया, 2 दुनी 4 आ गया, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे मान लो आपने लिखा 2 × 3 तो कितना आ जाता है, 6, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। यानी अपने को पता चल गया कि ऐसी कोई भी संख्या जो 2 के गुणा में है, समझ गए बात, जो किसके गुणा में है, 2 के गुणा में है, वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। या फिर अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता हो, किसका भाग जाता हो, 2 का, वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होगी, जो 2n+1 के फॉर्म में लिखी होगी, के रूप में लिखी होगी। जैसे n का मान आप 1 रखो, 2 × 1+1 यानी 2 एकम 2 और 1 3 हो गए, यानी 3 क्या है, एक विषम संख्या है। और अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। जैसे देखो 3 है, 3 में मैंने 2 का भाग दिया, जाता है पूरा पूरा भाग, नहीं जाता ना, इसका मतलब है कि 3 क्या है, एक विषम संख्या है। अब इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, 5, फिर कौन सी होगी, 7। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि सम संख्या के लिए क्या होना चाहिए, वो 2n के रूप में होनी चाहिए संख्या, यानी संख्या 2 का गुणज होनी चाहिए या उस संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसे ही विषम संख्या क्या होती है, जो 2n+1 के रूप का होना चाहिए, यानी उसमें 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों विषम संख्याओं। देखो, आप लोगे 2 विषम संख्या, तो देखो पहली विषम संख्या ले ली, मान लो मैंने 1, है ना, ले ली ना, और दूसरी विषम संख्या ले ली मैंने 3। अब दोनों में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए दोनों विषम संख्या है। समझ गए बात, तो बोल रहा है कि 2 विषम संख्याएं ली, इन दोनों का योग बोल रहा है। ठीक है, कि आपने क्या किया, 2 विषम संख्याएं ली, उनका योग किया, कितने आ गया, 4, तो क्या आ गई, एक सम संख्या आ गई। अब देखिए, और कोई विषम संख्या ले लो, मान लो आपने ले ली 5+7, 5 और 7 कितने हो गए, 12। ठीक है, कितने हो गए, 12, यानी 12 भी क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि भाई 12 में 2 का भाग जाता है, ये 2 का गुणज है 12। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो इसका मतलब है कि अपन यहाँ से कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एक सम संख्या होती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि यदि संख्याएं सम हो, तो देखो 2 संख्या ले ली मेरी सम संख्या, 2 और 4 आपने जोड़ा, कितना है, 6, सम संख्या आपने जोड़ा, मान लो 6+8 कितना आया, 14, तो ये भी एक सम संख्या है। यानी यहाँ से भी अपने को एक बात पता चली कि किन्हीं भी दो सम संख्याओं का योग भी क्या होती है, एक सम संख्या ही होती है। समझे कि नहीं समझे बात को, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो हम बोल रहे हैं कि एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो, ठीक है, उन दोनों का योग क्या होता है। देखो एक विषम संख्या 1 ले ली मैंने और सम संख्या 2 ले ली, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 3। ऐसे कुछ और ले लो, जैसे आपने 4 ले ली एक सम संख्या और एक विषम संख्या ले ली 5, तो कितने आ गया, 9। यानी अपने को यहाँ से एक बात और पता चल गई कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा क्या आती है, एक विषम संख्या आती है, ये फिक्स है। समझ गए बात, चलो अगला देखिए। बोल रहा है कि आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। करके देखो, 1 विषम संख्या हो गई है ना, 3 भी विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है, तो बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग करके देखो, देखो 3 और 1 4 और 5 कितना आ गया, 9। तो ये बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, नहीं भाई हमारे पास वो विषम संख्या है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो कथन क्या है, असत्य है। समझ गए, ऐसे देखिए 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होती है। तो देखो 2 विषम संख्या लिखनी है, तो 1 लिख ली मैंने और 1 3 लिख लिए, है ना,
इन दोनों का और एक सम संख्या मान लो मैंने दो ले ली, इनका योग एक सम संख्या होता है, ये ऐसे बोल रहा है। तो देखो 3 और 1 चार, 4 और 2 छः, भाई ये तो सही बात बोल रहा है, सम संख्या ही होती है, तो ये बात क्या है, सत्य है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे देखिए अगला है, दो ये वाला तो हो गया अपना, दूसरा वाला, तीसरा वाला है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। देखो गुणनफल की बात कर रहा है ये, गुणा की है ना। तो 3 विषम संख्याएं लेनी है, मान लो 1 ले ली, 3 ले ली, 5 ले ली, इनका क्या बोल रहा है, गुणन यानी गुणा। तो गुणा करो, 3 एकम 3 और 5 दिया 15, यानी इनका गुणन कितना होता है, 15। तो एक विषम संख्या आई, आई भाई, तो ये बात क्या है, एक सत्य बात है। ठीक है, तो आपको चेक करवा सकता है, योग भी करवा सकता है, कई बार पता है आपको घटाओ भी करवा देता है, घटाना भी पड़ेगा, कई बार गुणा भी करवा देगा, डिवाइड भी करवाएगा, है ना। जैसे देखो डिवाइड का तो आ गया, ये देखिए यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो देखो सम संख्या मान लो मैंने ली 4, उसको 2 से भाग दिया, कितनी बार किया, 2 बार, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये बोल रहा है कि जो भागफल है वो सदैव विषम संख्या होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो भागफल कितना आया, 2 आया, तो क्या है, सत्य बात है। नहीं भाई ये असत्य बात है, आपको यहाँ पे ठीक कर लेना है कि ये क्या है, असत्य बात है, ये सॉल्यूशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये बात असत्य क्यों है, देखो ये बोल रहा है कि सदैव विषम होता है, सदैव विषम नहीं होता। जैसे मान लो एक मैंने सम संख्या हो ली 6, उसमें 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, तो अब क्या आ गया, एक विषम संख्या आ गई है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि सदैव विषम संख्या ही होता है, नहीं भाई हम क्या करेंगे, 4 में जब 2 का भाग देंगे ना तो 2 आता है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। तो ये बात हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, तो यहाँ पे देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, अभाज्य संख्याएं, आपको इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें एक तो 1 का भाग जाए और एक खुद संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्या क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे देखो मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पे 3, तो देखो 3 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, नहीं जाता भाई, 3 में 3 का भाग जाता है, जाता है। अब उसके बाद में आप आगे बढ़ाओगे, 4 5 6 उनमें से किसी का भी भाग 3 में नहीं जाता है ना। तो यानी 3 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 2 संख्याओं का, एक तो 1 का और एक खुद का। तो ये 3 जो है वो क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। ऐसे देखो मैंने 5 लिखा, 5 में भी 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है ना। ऐसे मैंने 11 लिखा, 7 लिखा, ये सब संख्याएं क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैं और संख्याएं लिखूँ, कि जैसे 13 लिख दिया मैंने, 17 लिख दिया, ठीक है, 29 लिखा, 31 लिखा, ये सब ऐसी संख्या है जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है। समझ गए बात, तो आपको तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ऐसी संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, यानी 1 का भाग तो जाएगा, खुद का तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी और संख्याओं का भाग चला जाए किसी संख्या में, तो वो संख्या क्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या हम तभी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो भाज्य होती है और संख्याओं से। ठीक है भाई, चलो देखो सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ये बोल रहे हैं। देखो कि एक प्रॉपर्टी होती है अभाज्य संख्याओं की, जब अभाज्य संख्या आप लिखते हो ना, तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि देखो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है। इसके बाद में होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, है ना। तो ये कहीं तक भी चले जाए अभाज्य संख्या, लेकिन एक ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। देखो 2 क्या है, सम संख्या है, और बाकी देखो ये विषम संख्या है। यानी अपने को यहाँ से एक बात और पता चली, क्या, कि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी की क्या है, विषम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि अब सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ये बात सत्य है। देखो असत्य है, क्योंकि 2 भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, गलत बात है। अभाज्य संख्याओं के तो 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद संख्या होती है ना। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। देखो करके देखो, 2 अभाज्य संख्या लिखी मैंने, 2 प्लस 3 समाया, ये तो 5 आ गया, ये तो विषम आ गई, मतलब ये बात भी असत्य है। ठीक है, ऐसे देखिए केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो क्या है, विषम है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, ये बात भी गलत है कि सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या है। देखो 2 है, 2 भी तो सम संख्या है, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे देखिए आप जो आई और जे वाला क्वेश्चन है वो भी
कर सकते हो और आप ये खुद से ट्राई करना, ठीक है भाई। चलिए देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 व 3 है, और 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि आपको ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी है कि जैसे मान लो 13 लिख दिया, तो जब आप इनके अंकों को पलट दो तो कैसे हो जाएगा, 3 और 1, यानी ये वाला अंक यहाँ पे आ गया और ये वाला अंक यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप की आपको 100 से कम जो अभाज्य संख्या है वो लिखनी है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो ऐसी हो सकती है। एक तो 17, देखो 17 को 71 लिख दिया, ऐसे 37, 37 को कैसे लिख दिया पलट के 73, है ना, और 79, 79 को कैसे लिख दिया 97, 97। ठीक है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है भाई। तो आपको यहाँ से एक बात और पता चली कि 100 तक की संख्याओं में ऐसी ही 4 ही अभाज्य संख्याएं होती है जिनको हम पलट के लिख सकते हैं, समझ गए बात। अगला देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। तो देखो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। देखो 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7, ये आपको देख लेना है, 7 होती है, क्योंकि देखो 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, समझ गए, और 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7, समझ गए। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में अपने को इनको व्यक्त करना है। तो देखो 44 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 41, तो देखो 3 भी अभाज्य संख्या हो गई और 41 भी अभाज्य संख्या हो गई, तो दो संख्याओं के योग में, और दोनों संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं हो रही है। देखो 36 है, 36 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 31, लिख सकते हैं ना, तो 5 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे अगली देखिए 24, 7 प्लस 17, ऐसी 18 देखिए 7 प्लस 11, तो इसी टाइप से हम इनको भी अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2, ठीक है। तो देखो पहली एक अभाज्य संख्या लिखी मैंने 3, और दूसरी लिखी 5, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 ही है, समझ गए। ऐसे देखो 5 और 7 जिनका अंतर भी 2 है, और 11 और 13 इनका अंतर भी क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है अभाज्य, ये देखना है। तो देखो 23 एक अभाज्य संख्या है, 51 नहीं है, क्योंकि देखो 17 तिया 51 होता है, यानी 51 में 3 का विभाग जाता है, 17 का विभाग जाता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 37 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 23 और 37। 26 भी नहीं है, क्योंकि 26 में 13 दूनी 26 अपन लिख देते हैं, यानी 13 का भी जाता है उसमें और 2 का भी जा रहा है भाग, ठीक है। देखिए 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। ऐसी 7 संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। देखो अगर मैं लिखूँ ना 4, ठीक है, और लिखूँ मैं 6, तो इसके बीच में तो एक अभाज्य संख्या आ गई 5, यही अपने को नहीं करना है। ये बोल रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं अपने को लिखनी है जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना आ रही हो, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो 7 संख्याएं कौन कौन सी हैं ऐसी, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं ऐसी है जिनके बीच में अभाज्य संख्या नहीं आती है, वो कौन कौन सी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, है ना। तो देखो इन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, और 3 संख्याओं में, देखो 21 को मैंने लिखा 3 प्लस 7 प्लस 11, भाई 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी है और 11 भी है। ऐसे 31 को मैंने लिखा 3 प्लस 11 प्लस 17, है ना। ऐसे 53 को लिखा 13 प्लस 17 प्लस 23, ऐसे 61 को लिखा 19 प्लस 29 प्लस 13, ये आपको याद रखना है और आप ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है भाई। चलिए देखिए 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, ठीक है ना। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग लिखिए। तो देखो 2 प्लस 3 लिख दिया मैंने, 5 आ गया, 5 से विभाज्य है। 3 प्लस 17 ये भी 5 से विभाज्य है। 5 प्लस 5 10 ये भी है। 7 प्लस 13 ये भी है। और 2 प्लस 13 15
ये भी है। यानी हमने दो विभाज्य, दो अभाज्य संख्याएं ऐसी लिखी है 20 से छोटी जिनका योग 5 से विभाज्य है। समझ गए बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ये खाली स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। देखो पहली संख्या है, पहला क्वेश्चन है सॉरी, वह संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड हो, क्या कहलाती है भाई? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, जिसके क्या हो, दो गुणनखंड हो, है ना। और क्या होता है, वो एक सम संख्या भी होती है ना। वह संख्या जिसके जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वह क्या कहलाती है, एक अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। ये गलत लिखा हुआ है दोनों में, पहले में क्या आएगा भाज्य संख्या और दूसरे में अभाज्य संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तीसरा है, एक न तो खाली स्थान है और न ही खाली स्थान है, यानी एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक होता है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ये तीसरा भी गलत लिखा हुआ है, आपको पहले वाले खाली स्थान में लिखना है भाज्य और दूसरे वाले में क्या लिखना है, अभाज्य, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, गलत छप गया, ठीक है भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सही बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। क्योंकि देखो एक अभाज्य संख्या है नहीं, एक सॉरी भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, दो तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये भी नहीं लेनी, तीन भी अभाज्य संख्या है, और चार क्या है, भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार, ठीक है। ऐसे देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? दो। सबसे छोटी सम संख्या तो दो ही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।